आईओएल केमिकल्स 1986 में कंपनी की हुई शुरुआत, पेन मैनेजमेंट और थेरेप्टिक कैटेगरी पर बाजार में बड़ी गहरी पकड़ है इस कंपनी की, और मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं हमारे पैनल पे जिन्होंने इनकी दवा ना खाई हो। बिल्कुल आइब्रुफेन हमेशा हमेशा दर्द दर्द के लिए और बुखार के लिए खाई जाती, तो वो दवा बनाती है ये कंपनी, और 2022 में पैरासिटामोल का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो ब्रुफेन के साथ पैरासिटामोल दोनों आपके लिए। ओके आइए मुलाकात करते हैं संजय चतुर्वेदी साहब, कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, सीईओ हैं कंपनी के और केमिस्ट्री ऑनर्स में बैचलर्स और फिजिकल केमिस्ट्री में मास्टर्स आपने किया है, और न्यूयॉर्क से आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री भी ली है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से भी आपने मैनेजमेंट की डिग्री ली है, 25 साल से ज्यादा का गहरा लंबा अनुभव चतुर्वेदी साहब का है इस इंडस्ट्री का, और आइए नतीजों पर करते हैं उनसे मुलाकात। पहले मैं आपको नतीजे बता दूं जो कल आए हैं, सोमवार को माफ कीजिएगा मंगलवार को, 9% आय बढ़ी है, 565 करोड़ पर पहुंची है, कामकाजी मुनाफा जबरदस्त बढ़ा है, सॉरी कम हुआ है 49%, 56 करोड़ पर आया है, और उसकी वजह यह है कि मार्जिन 21% से घटकर 10% और मुनाफा इसी वजह से 67 करोड़ से घटकर 35 करोड़ आया है। तो लगभग सारी कंपनियों की जो समस्या है रॉ मटेरियल कॉस्ट की, मार्जिन की, ऐसा लग रहा है यहां पर भी वही दिक्कत है। तो एक बार वहीं से शुरुआत करते हैं, चतुर्वेदी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बताएं कामकाजी मुनाफा जो घटा है, मार्जिन जो कम आए, क्या वजह रही सर? तो इसकी दो वजह हैं, पहला तो ये कि रॉ मटेरियल, जैसा कि आपने बताया रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, बट उससे भी ज्यादा एनर्जी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, और जो प्राइसिंग है वो आइबुप्रोफेन में तो थोड़ी कम हुई है और बाकी प्रोडक्ट्स में स्टेबल है। तो अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो हाँ मुनाफा कम है, लेकिन हम क्या है क्वार्टर बाय क्वार्टर देखते हैं, तो अगर हम Q4 से Q1 में देखें, Q4 में हम सिंगल डिजिट एबिटा नंबर पे गिर गए थे और अब हम दोबारा डबल डिजिट पे आ गए हैं। तो मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि हमारा अब जो प्रॉफिट है इज एक्चुअली बेटर जो पिछले क्वार्टर से था, और अब हमें उम्मीद है कि क्योंकि डिमांड काफी स्टेबल है और प्राइसेस भी काफी स्टेबल हैं, और हमें उम्मीद नहीं है कि इसके प्राइसेस कम होंगे, सो हमें काफी हाई कॉन्फिडेंस है कि हम दोबारा 15% और 18% एबिटा की तरफ जाएंगे। बात तो सही कह रहे हैं सर, आप चौथी तिमाही में मार्जिन 8% थे, इस बार 10% है, साल दर साल नीचे है, तिमाही दर तिमाही इंप्रूवमेंट हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि डिमांड भी स्ट्रांग है। चलिए सर, डिमांड तो ठीक है, बढ़िया है, स्ट्रांग है, अब प्राइसिंग पावर पे आइए, क्या कुछ प्राइसिंग पावर भी आ रहा है, कुछ और दाम आप बढ़ाने की सोच रहे हैं या नहीं, स्टेबल रखेंगे? नहीं, दाम थोड़े से बढ़े हैं, Q1 में स्टेबल थे और Q2 में अभी हमें थोड़ा सा उछाल आया है प्राइसेस में आइबुप्रोफेन के, और उसकी कई सारी वजह हैं, कुछ तो कंपेटिटिव एक्टिविटी है, और दूसरा हमारे पास जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं उसकी बेसिस पे कुछ कस्टमर्स ने भी अप्रूवल मिले हैं, तो हम ग्रेजुअली अपना जो बिजनेस है रेगुलेटेड मार्केट्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट करेंगे बजाय उसके कि ज्यादातर हिंदुस्तान में जो पहले बेचते थे, तो उससे भी मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में प्राइस रियलाइजेशन हमेशा डोमेस्टिक मार्केट से बेहतर होता है। ठीक बात है, तो वहां पर थोड़ा सा फोकस बढ़ेगा। अब डिमांड को देखते हुए सर, कोई कैपेसिटी प्लान्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, आप बढ़ाएंगे सर? तो देखिए, हमने कल जो न्यूज रिलीज भेजी थी उसमें दो एक्सपेंशन है, एक तो हमारा केमिकल बिजनेस का है जहां पे हम तकरीबन 20% अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं थाइल एस्टेट की, और दूसरा हमने जो अनाउंसमेंट करा है कि हम वेस्टर्न इंडिया में एक नया प्लांट सेटअप करेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा इंटरमीडिएट्स का, जो तकरीबन 300 करोड़ की लागत पे लगाया जाएगा। तो एक्सपेंशन के प्लान्स तो बड़े जबरदस्त हैं हमारे, और हमें काफी हाई कॉन्फिडेंस है कि इससे हमें बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। परफेक्ट सर, तो हम कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मार्जिन्स को लेकर, रेवेन्यू को लेकर और एक्सपेंशन प्लान को लेकर। आईओएल केमिकल के सीईओ संजय चतुर्वेदी साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए, तो आईओएल केमिकल नंबर्स के बाद स्टॉक पर एक बार जरा देख लेते किस तरह का रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। कल आए थे नंबर्स और आप देख सकते हैं, हाँ स्टॉक थोड़ा सा सुस्त है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं।